नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, 888 पोर्टल, लियो पोर्टल की चर्चा हमने की थी और आप सब लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। उस वीडियो के कमेंट्स तो भरे हुए हैं आपके टेस्टिमोनी से। बहुत लोगों का एक सवाल है कि अगर छूट गया हो, जिन लोगों का छूट गया 8 अगस्त को, तो वो क्या करें। और मैंने उसी वीडियो पे यह भी बताया था कि 17 और 26 में भी ये पोर्टल होगा। बेशक ये पोर्टल 8 अगस्त जितना शक्तिशाली नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन 17 और 26 को भी होगा, क्योंकि 17 का मतलब 7 और 1 8 होता है और 26 का मतलब भी 6 और 2 8 होता है। 8 ही इम्पॉर्टेंट है इस साल, इस महीने 8 नंबर का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि 2024 8 है, शनि का साल है, कर्म के देवता जी बोल सकते हैं, इस आपके कर्मों का फल देने वाले देवता शनि ग्रह जो हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो जो भी इस साल कर्म करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसे अपना फल ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, तुरंत नगद में मिलेगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कि आज अच्छे कर्म करो कभी फल मिलेगा, नहीं, शनि का साल है, नगदी में फल मिलेगा। बहुत रॉ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल इस अभी करो, आज ही इसी साल में ही वो फल मिल जाएगा, ऐसा है। तो 17 और 26 शनि का ही दिन होगा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज हम 17 की चर्चा करें, 26 की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि 26 को जन्माष्टमी पड़ रहा है, अष्टमी, अष्टमी, अष्ट, आठ, जन्माष्टमी, मतलब कि उस दिन भी 26 का भी दिन है और अष्टमी भी है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो पे करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम है। आज 17 की चर्चा करेंगे, क्योंकि 17 को हम 8 रेमेडी कर सकते हैं, तो 8ों को समझाने में समय लगेगा, तो वीडियो लंबी होगी और आपको समझना है ध्यान से, ठीक है जी। 8 में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हैं। तो अभी हम 17 अगस्त जो कि शनिवार ही पड़ रहा है, ये मैंने तो नहीं बनाया ना, इस कैलेंडर को भी हमने नहीं बनाया, ये गणना के हिसाब से ही चला आ रहा है ना। तो आप समझिए कि 17 तारीख को ही शनिवार क्यों पड़ रहा है, 26 तारीख को ही अष्टमी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये शनि का ही है माहौल पूरा। सैटर्न प्लैनेट को ही हमें ये मौका मिला है कि हम अपने शनि को अच्छा कर सके, शनि से हमें आप कर्म के फल हम तुरंत प्राप्त कर सके। तो चलिए पिछले ही वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम 17 अगस्त में क्या क्या कर सकते हैं, इन रेमेडीज के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला टिप ये है, बहुत गहरा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मैं तो यही बोलूँगा, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्मों पर फोकस करना है। मतलब कि जब जो भी आपके कर्म आज तक बिगड़े होंगे, आपने कभी गलत कर्म कर लिए होंगे, तो उसके लिए क्षमादान मांग लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने मेडिटेशन बनाया हुआ है कर्म की शुद्धि को लेकर के, क्षमादान प्रार्थना को लेकर के, तो उससे आप गाइडेंस लेकर के क्षमादान प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों से अपना व्यवहार अच्छा कर लीजिए, खासकर अपने से छोटे तबके के लोगों का, कोई फेरी वाले हैं, फल वाले हैं, ये लोग जो बेचने वाले छोटे तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, जिन्हें जिनकी रोजी रोटी आपके दिए हुए पैसों से चलती है, तो आपने बहुत किचकिच करके मोल भाव किया है, उनका नुकसान करके आपने कोई चीज़ ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा मोल भाव करके ख़रीदा है, तो उससे शनि कमज़ोर होता है, ध्यान रखना, शनि बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है मोल भाव करने से, और मोल भाव ना करने से, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा दे देने से आपका शुक्र मजबूत होता रहे, मतलब कि आपके जीवन में समृद्धि और बढ़ती है। तो खैर, ये तो बहुत गहरा हो जाएगा, तो अपने कर्म सुधार लीजिए, लोगों से अपना व्यवहार अच्छा कर लीजिए, जिनके साथ व्यवहार खराब हो रखा है उनके साथ अच्छी बातें करके, मैं ये नहीं बोल जाके माफ़ी मांगे, नहीं, उनके साथ अच्छी बातें कर लीजिए, कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, बैठ लीजिए, कुछ अच्छी चर्चा कर लीजिए, तो इससे आपकी शनि की कुदृष्टि से तो आप बच ही जाएंगे, उनकी सुदृष्टि आप पर पड़ेगी, मतलब कि उनकी अच्छी नज़र आप पर पड़ेगी और आपके जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आगे की जो रेमेडीज आप करेंगे वो आप पर प्रभावशाली हो जाएगा। टिप नंबर 2, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, बॉस हैं,
हर कोई कहीं ना कहीं बॉस होता है ना, कोई कोई अपनी छोटी जगह पे, कोई बड़ी जगह पे, कोई बहुत बड़ी जगह पे, कोई अपने घर पे बॉस होता है। तो जब भी आप कहीं पर बॉस की स्थिति पर हो, जहाँ आप बड़े हो, जहाँ आपके नीचे कुछ लोग हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो ये मानिए कि आप सूर्य के प्रतीक हो। सूर्य जिससे प्रकाश निकलता है, जो बाकी ऊपर पड़ता है, बाकी लोग उससे तर रहे हैं, पल रहे हैं। और अगर आप कहीं बॉस हो, तो मैं किसी जैसे किसी भी संस्था में अगर आप बॉस हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो जो आपके नीचे के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो होते हैं शनि, शनि का प्रतीक। तो अगर किसी भी रीज़न से उनका रिस्पेक्ट नहीं हो पाया, उनको तनख्वाह आपने नहीं दिया, उनका उनका तनख्वाह काट लिया, उनके पैसे काट लिए, या उनको सही समय पर नहीं दिया, तो अगर वो नाराज़ हो रहे हैं, वैलिड रीज़न से नाराज़ हो रहे हैं, तो आपका शनि खराब होगा। सोच के देखिए, जैसे कि किसी बड़े संस्था में जैसे कोई मालिक होता है और कोई बॉस होता है, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, वो उनके एकदम करीब होते हैं, उनके साथ उनके संबंध हमेशा अच्छे होते हैं, ज़्यादातर अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बुध का प्रतीक है। बुध मतलब मरकरी, सूर्य के करीब ही होता है, तो जो करीब के एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके साथ संबंध अच्छे होंगे। लेकिन शनि बहुत दूर होता है सूर्य से, तो उनकी रोशनी नहीं पड़ पाती। तो बीइंग अ सूर्य सन, आपको शनि का ध्यान रखना है, शनि तक अपनी रोशनी पहुंचानी है। हाथ मिला लीजिए, बात कर लीजिए, कुछ हालचाल पूछ लीजिए, हाँ, या कुछ खिला दीजिए, या एटलीस्ट ये रहे कि उनकी सैलरी उनको पूरी मिले, टाइम पे मिले। और अगर किसी वजह से लेट हो रहा है, तो आप उनसे बैठ करके बात करें, चर्चा करें, जिससे उनका सद्भाव आपकी तरफ हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हो सकता है कि आप खुद एम्प्लॉई हैं कहीं के, कहीं आप नीचे स्तर पे काम करें, लेकिन अपने घर पे तो आप बॉस हैं, तो अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, घर बूढ़े माँ बाप, तो उन तक आपकी रोशनी पूरी पहुँचे, उनसे सद्भाव बना लीजिए, शनि बहुत अच्छा हो जाएगा इस 17 से पहले पहले। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। पहली रेमेडी जो है ज्योतिष शास्त्र से है, और ये ज्योतिष शास्त्र ज़्यादातर सनातन धर्म, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के नियम और कथाओं के अनुसार मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी इस तरह की बातें करता हूँ जिसमें सारे धर्मों को सम्मान मिल सके। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र से हमने इस रेमेडी को उठाया है, सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र से। तो रेमेडी कुछ ऐसी है कि वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन, ये होता है शनि का, शनिदेव का डायरेक्शन होता है। और उस दिशा में आप हनुमान जी की कोई फ़ोटो या कोई मूर्त रख लें, कोई प्यारी सी फ़ोटो लगा लें या प्यारी सी मूर्त स्थापित कर लें, और उनको प्रणाम करें रोज़। तो हनुमान जी को शनि देव का वरदान है, आशीर्वाद है कि जहाँ तुम होगे वहाँ मैं लोगों पर अपनी दृष्टि नहीं डालूँगा, आपके आपको पूजने वाले लोगों को, आपको प्रेम करने वाले लोगों को मैं परेशान नहीं करूँगा। मतलब उनके कर्म कैसे भी हों, उनको उतना ही दिया जाएगा जितना उनके कर्म खराब रहे हैं, उनको समझ आ जाने के लिए, समझदारी लाने के लिए, जितना सबक देने के लिए जो चाहिए उतना ही दिया जाएगा, अति परेशान नहीं किया जाएगा आपके भक्तों को। ये हनुमान जी को वरदान है। तो कथाओं के अनुसार ये वरदान, और मैं कथाओं के अनुसार इस तरह से बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को दी है, कराई है, और बहुत ठोस रिज़ल्ट आया है। तो भले आप किसी भी धर्म से हो, आप जो लोग इस धर्म को समझते हैं, मानते हैं, वो ये रेमेडी ज़रूर करना, बहुत काम आएगा आपके। 17 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन आप भूखों को खाना खिला दीजिए। एक भूखे को भी खाना खिला दोगे काफ़ी। अगर कोई इंसान अवेलेबल ना हो पाए तो काली चींटियों को, चींटे होते हैं ना चींटे, या कैसी भी चींटियों को अगर कहीं दिखते हैं, तो आटा और चीनी का बूरा, चीनी को पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में और आटे के साथ मिला करके, 1/3 चीनी हो गया और पूरा आटा हो गया, आटे का 1/3 चीनी मिला करके एक मुट्ठी काली चींटियों को डाल दिया। ये रेमेडी करेंगे अगले 8 शनिवार, 17 से शुरू करेंगे, 17 के शनिवार से शुरू करेंगे, अगले 8 शनिवार इस रेमेडी को करेंगे। और जीवन में इस रेमेडी को करते वक्त आप जीवन के लिए जो मांगना चाहते हैं वो मांगिए, उसको बोलिए, कहिए, और किसी भूखे का पेट भर दीजिए।
कोई इंसान मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो चींटियों के साथ कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए, 8 शनिवार पूरा होने से पहले पहले आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, आपके जीवन में वो काम अच्छा होने शुरू हो जाएंगे, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा ख़त्म हो जाएगा, किसी चीज़ में फंसे हुए होंगे बाहर निकल आएंगे, रिश्ते अगर ख़राब हो रखे हैं ठीक हो जाएंगे, मतलब शनि देव की अच्छी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी और सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। रेमेडी नंबर 3, पीपल के पत्ते। अभी सिर्फ उपाय को समझिए, ये रेमेडी पीपल के पेड़ के पत्ते लेंगे, हाँ पीपल के पेड़ के पत्ते या तो तोड़ लेंगे या ज़मीन में गिरा हुआ है उसे भी आप उठा सकते हैं, आपको मन करे कि आप नहीं तोड़ना चाहते हैं, ज़मीन में गिरे हुए पत्तों को भी उठा सकते हैं, प्रणाम करके उठाइए, कुछ देखना कि कहीं से कटे फटे ना हो, साबुत पत्ते उठाएंगे रखेंगे और उसमें पेन से, स्केच पेन ले सकते हैं, स्केच पेन से या इंक पेन से अपना विश लिखेंगे, अपना अफर्मेशन लिखेंगे, 1-2 जितना पत्ते में आ सके, 1-2 या 3 जो भी लिखना चाहें लिखें, 1 पत्ते में नहीं पूरे 8 पत्ते में लिखेंगे, 8 पत्ते में उस विश को एक एक करके लिखेंगे और एक के ऊपर एक रख करके उस पूरे स्लैब को अपने पास संभाल के रख लेंगे। ये उपाय भी अगले 8 शनिवार तक करना है, किसी डब्बे में इसे जमा करते जाइए, 8 स्लैब तैयार होंगे और उस 8ों के 8ों पत्तों को या तो पीपल पेड़ के नीचे ही मिट्टी में गाड़ दीजिए या किसी नदी में, बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रहे जिस टाइम ये करेंगे, विसर्जित करेंगे, उस टाइम इनसे अपने कामनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए करेंगे कि आप ये मानते हैं कि आपने जो कामना करी है, जो विश किया, जो अफर्मेशन किया है वो पूरे हो चुके हैं। रेमेडी नंबर 4, एमिथिस्ट की माला लीजिए। एमिथिस्ट क्रिस्टल है शनि के लिए, या तो एमिथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ करते हैं या तो नीलम जेमस्टोन को यूज़ करते हैं, तो नीलम थोड़ा महंगा हो जाता है, तो एमिथिस्ट की माला लेंगे और या तो इसे हाथों में रख करके ध्यान लगाएंगे, अपने शनि ग्रह पर ध्यान लगाएंगे, सैटर्न पर ध्यान लगाएंगे, या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र शनिदेव का मंत्र, कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, सबसे पॉपुलर जो मंत्र है, सबसे जो माना गया मंत्र है, जिसके लिए कोई ऐसा ज़्यादा उसमें नियम नहीं है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, आप ये पूरी माला जाप करेंगे तो इससे 17 तारीख से ही शुरू करेंगे ना, इस माला का एन्चेंटमेंट करने से, एमिथिस्ट में एन्चेंटमेंट करने से शनि आपका ऊपर उठने लग जाता है, शनि देवता की अच्छी दृष्टि आप पर पड़ने लगती है, जिन लोगों को 7.5 वगैरह चल रहा है उससे आराम मिलना शुरू हो जाता है, ये भी अगले 8 शनिवार करेंगे। रेमेडी नंबर 5, ये है बेसिकली रिलेशनशिप के लिए, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आपका आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे ऑफिस में आपका संबंध हो, जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके काम, संबंध अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इस रेमेडी को करेंगे, तिल अर्पित करेंगे शनि देवता को, तिल अर्पित करेंगे, उन्हें समर्पित करेंगे और क्या होना चाहिए ये विचार पहले से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, पानी में गुड़ और दूध मिला करके भी शनि देवता को अर्पित कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आसान नहीं हो पाता, तो तिल अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें शनि देवता की, शनि देवता के मंदिर में अगर जाते हैं या पीपल के पेड़ को शनि देवता का स्वरूप माना गया है तो 11 बार परिक्रमा करेंगे, तो जितने बार भी परिक्रमा करेंगे उतने बार अपने उस पूरे इच्छा को मन में पूरा दोहराते हुए एक परिक्रमा को पूरा करेंगे, चाहे इच्छा 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी आप चाह रहे हैं अपने संबंधों को लेकर के कि कैसा होना चाहिए, कि मेरा मेरी वाइफ के साथ संबंध बहुत मधुर हो जाए, हम लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, या मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हो जाए, मेरे कॉलीग्स के साथ, मेरे पार्टनर्स के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हो जाए, मेरे दोस्तों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हो जाए, ऐसे जो अफर्मेशन बोलते हुए अपनी इच्छा को बोलते हुए एक कंप्लीट करेंगे और उसको फिर दोबारा तिबारा करते हुए 11 बार कंप्लीट करेंगे, तो ये 5वीं रेमेडी ऐसे काम करेगी और ये एक ही बार करेंगे तो भी काफ़ी है, लेकिन संबंध है सुधारने में समय लगता है तो इसे भी 8 शनिवार करें। बहुत लोगों को संकोच होता है कि कौन से रंग का तिल, सफ़ेद तिल काला तिल दोनों होता है, तो काला तिल ज़्यादा माना गया है सनातन धर्म में कि काला तिल का प्रयोग करें, तो आप काला तिल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शनिदेव काले होते हैं तो तिल भी काला हो तो उचित है, ना मिले तो वाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन काला तिल को पहले रखें।
छठवीं रेमेडी है, ये भी पीपल पेड़ से ही जुड़ा हुआ है। शनि देवता और पीपल पेड़ का किसका बहुत गहरा संबंध है भाई, समझ लो। दीपक लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। सर शनि देवता को सरसों का तेल ही चढ़ता है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, और उसमें एक लोहे की किल रखेंगे। दीपक जल रहा है, सरसों का तेल डाला हुआ है, लोहे की किल डाल के पीपल पेड़ के जड़ों में उसे रख करके प्रणाम करके अपनी इच्छा को दोहराएंगे मन में, और 8 बार परिक्रमा करेंगे। 8 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा करेंगे, उसी जैसे इससे पहले हमने 11 बार किया था वैसे ही 8 बार परिक्रमा करेंगे, और ये उपाय तो अगले 8 हफ्ते करना ही है। बॉडी नंबर 7, कोयला, जलता हुआ कोयला। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, शत्रुता खत्म करने के लिए, कष्टों को खत्म करने के लिए एक जलता हुआ कोयला लेकर के उसे पानी में ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद भगवान शनि को, शनि देवता को आप धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन से इन कष्टों को बाहर निकाल लिया, शांत कर दिया, ठंडा कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई शनि देवता को धन्यवाद नहीं करता। हाँ, मतलब कि सनातन में भी कुछ इस तरीके से समय के साथ, हालांकि शनि देवता किसी को यूं ही परेशान नहीं करते, वो लोगों को उनके कर्मों का ही फल देते हैं, लेकिन लोग समय के साथ ऐसा हो गया कि शनि देवता को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये भैया ये बंदा दिखेगा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके पास ऐसा, उनका काम ही ये है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, उनको हमें उनका फल देना है ना, तो उन्हें धन्यवाद करेंगे। और मैं तो ये बोलूँगा जितने भी रेमेडीज़ आप कर रहे हैं, सारी रेमेडीज़ को पूरा करने के बाद उन्हें धन्यवाद करेंगे, क्योंकि करने वाले वही हैं, ठीक करने वाले वही हैं, है ना, कोई और आपको उनसे बचा के लेके नहीं जा रहा है। कष्ट देने वाले भी वही हैं, तो ठीक करने वाले भी वही हैं, तो उन्हें धन्यवाद करेंगे। 8वां और सबसे बोलूँगा जिसके अंदर इसकी समझदारी है वही इसे कर सकता है, पीपल के पेड़ के साथ बैठ करके तपस्या की अवस्था में जा करके, ध्यान की अवस्था में जा करके मंत्र जाप करना है 8 बार, गाधी कौशिक पिपलाद, गाधी कौशिक पिपलाद। इस मंत्र का जाप करेंगे बैठ करके, शांति से जाप करेंगे, और अपने जीवन में भगवान शनि की कृपा को बुलाएंगे, और अपने जीवन में जो भी कष्ट हैं उसे कम करेंगे। इस पर एक पूरी कथा है, मैं सब सुनाना चाहूँगा। ऋषि कौशिक हुए, उनके जीवन में बहुत अकाल आया, उस जगह बहुत अकाल हुआ, तो उनके घर में उनके कुछ बच्चे थे, पुत्र थे, तो उन सब सारी संतानों को लेकर के वो पलायन किए, कहीं और जा रहे थे। तो अपनी एक संतान, जिनका नाम बाद में पिपलाद ही पड़ा, अपनी एक संतान को वो लेकर नहीं गए, वो छोड़ दिए, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि ऋषि थे ना कहीं उनको पता था कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस उनको त्याग दिया। अब पुत्र को ये लगा कि मुझे सबको लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों त्याग दिया, लेकिन उनके पिता ऋषि कौशिक को ये कहीं ना कहीं आभास था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वो जानते थे, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि बहुत अकाल पड़ा हुआ है, इतना कष्ट फैला हुआ है आसपास। तो वो जो बालक है, वो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पीपल के पत्तों को खाकर वो जीवित रहा, और इस तरीके से समय बीतता गया। और एक दिन नारद ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, देव ऋषि नारद, जिन्हें हम जानते हैं देवों के ऋषि हैं, तो उन्होंने उनकी भेंट हुई। तो जब उनकी भेंट हुई, वो बेचारा बहुत, वो बालक बहुत कंगाल स्थिति में था ना कहीं वो पीपल के पत्ते खा के जी रहे। तो जब नारद को उन्होंने देखा, नारद ऋषि को उन्होंने देखा, तो उनकी स्वागत सत्कार में उन्होंने कोई कमी नहीं की, उनके लिए पानी लेकर के आए, उनके लिए बैठने की व्यवस्था किए, उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया, बहुत अच्छे से, जैसे कि उनके जीवन में सारी संपन्नता भरी हुई है, संपन्न एक इंसान जैसा बर्ताव करता है वैसा बर्ताव किया। नारद ये देखकर बहुत अचंभित हुए कि ये बालक इतने कष्टों में है, फिर भी चेहरे में इतनी शांति है, इतना तेज है, जबकि पीपल के पत्तों को खाकर ही जी रहा है। तो नारद मुनि ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर उन्हें मंत्र दिया, भगवान नारायण का उन्होंने मंत्र दिया, और उस नारायण मंत्र का जाप करने लगा ये बालक। और कुछ समय बाद भगवान नारायण ने भी उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो इस बालक ने
फिर से उनसे ज्ञान का ही वरदान मांगा। तो भगवान नारायण ने उन्हें ज्ञान का ही ज्ञान ही दिया। फिर वो समय के साथ बढ़ते गए, क्योंकि ज्ञान ही तो असली शक्ति है ना, ज्ञान की शक्ति उनकी इतनी बढ़ती गई, वो इतने तेजस्वी होते गए। फिर वो बड़े हुए, नारद उनके गुरु ही थे, और नारद ने उनको एक नाम दिया, गुरु नारद ने उन्हें एक नाम दिया, पिपलादि। क्यों? क्योंकि वो पीपल के पत्तों को खाकर ही जिया था और उसमें भी वो सुखी था, अपने आप को सुखी बना के रखा था, तो उन्होंने उनसे पिपलाद नाम दिया। तो ऋषि पिपलादि नाम पड़ा इस महान ऋषि का। और फिर इन्होंने अपने गुरु से पूछा, नारद मुनि से पूछा कि इतना कष्ट क्यों फैलाया, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, उस समय में मेरे माता पिता से सारे लोगों के जीवन में इतना अकाल क्यों आया। तो नारद मुनि ने बताते बताते, शायद उनसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उन्होंने उनके मुँह से ये निकल गया कि ये सारा जिस शनि देवता का किया धारा है, उन्हीं ने ही किया है ये सब। वो ये समझा नहीं पाए कि लोगों को उनके कर्मों का ही फल दिया है शनि देवता ने। तो नारद मुनि का कैरेक्टर हमेशा से ही, अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे या टीवी सीरियल्स में देखेंगे, तो वो थोड़े से प्यारे थे, थोड़े से भोले थे, तो उनके बोलने की कला कुछ ऐसी थी कि झगड़े हो ही जाते थे। तो पिपलादि ऋषि बहुत तेज गुस्सा हो गए, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और उसी समय शनि देवता वहाँ से गुजर रहे थे। तो पिपलादि ऋषि इतने तेजस्वी हो चुके थे कि इनकी दृष्टि शनि देवता पे पड़ी तो उनके ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ गया जैसा कि शनि देवता बाकियों के को देखते हैं तो पड़ता था। शनि देवता वहाँ से तुरंत उनका डगमग हो करके वो गिर पड़े। तो उस समय से शनि देवता जो है, कहीं ना कहीं शनि जो है पिपलादि ऋषि से एक उनका भय बना रहा। तो समय के साथ ऐसा हुआ कि पीपल के वृक्ष को अगर हम कोई भी वो देते हैं, कोई भी सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि देवता उस सम्मान को ग्रहण करते हैं, क्योंकि एक पहला इंसान है जिसके देखने से मुझ पर शनि का प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनकी आदर करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। तो पीपल का पेड़ को हम पिपलादि ऋषि का स्वरूप मानते हैं, और यही है वो कहानी जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और इस सारे ज्ञान को, सारी रेमेडीज़ में से किसी भी एक रेमेडी को पकड़ कर आप अपना काम बना सकते हैं। इस 17 अगस्त के शनिवार में अलग अलग रेमेडी अलग अलग लोग कर सकते हैं, अपने घर में आप बताइएगा, लोगों को, अपने दोस्तों को बताइएगा, जो भी जैसा भी करना चाहे वो करें, जीवन में जिस तरह की तकलीफ है उसके हिसाब से वो रेमेडी करें, और आप देखेंगे 8 शनिवार में कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक आपका आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 शनिवार पूरे होने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिले उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी ये पूरी मेहनत साकार हुई ऐसा मैं महसूस कर पाऊँगा। ठीक है जी, तो आशा करते हैं ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते आय जी।